अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। इसी हवाले से देखते हैं उमर जावेद की ये रिपोर्ट। हासिलपुर तहसील म्यूनिसिपल क्लब में एफएस निंजा मार्शल आर्ट कराटे एकेडमी के ज़ेर एहतमाम बेल्ट प्रमोशन तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर आमिर हुसैन पिनहोर का शानदार इस्तकबाल किया गया। इनके हमरा मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। पंचिंग असेंबली, ननचक्स, ब्रेकिंग, स्टिक फाइट और फाइट का मुजाहरा किया गया और तरक्की पाने वाले स्टूडेंट को बेल्ट और असनाद दी गयी। बाद खिलाड़ियों के फोटो सेशन हुआ और आखिर में मेहमान खसूसी ने निंजा मार्शल आर्ट कराटे एकेडमी की काविशों को सराहते हुए कहा कि खेल जिस्मानी तरबियत के साथ जहनी नश्वनुमा और इंसानों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का भी मोस्तर तरीन जरिया है। खसूसन मार्शल आर्ट की तरबियत नौजवानों में जज्बा हुबुल वतनी, रवादारी, सब्र और दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करता है। खिलाड़ियों ने सच न्यूज से गुफ्तगु करते हुए कहा, पाकिस्तान से हमारी दरख्वास्त है कि मार्शल आर्ट की सपोर्ट करे ताकि हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन पूरी दुनिया में कर सके। हम मार्शल आर्ट के जरिए मंशियात के खिलाफ जंग कर रहे हैं और इसके साथ पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि वो मार्शल आर्ट को सपोर्ट करे ताकि हम दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। खेल जहनी तनाव को कम करने के साथ चिड़चिड़ेपन से भी निजात दिलाते हैं। खसूसन मार्शल आर्ट नौजवानों में जज्बा हुबुल वतनी, रवादारी, सब्र और दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करता है। कैमरामैन अब्दुल रशीद के साथ चौधरी उमर जावेद, सच न्यूज, हासिलपुर।